नमस्कार दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस क्वेरीज आते हैं एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के लिए। ये एक बहुत मेजर टॉपिक है और इसके बारे में हम आपसे सिम्टम्स, ये बीमारी क्यों होती है, इसमें क्या क्या तकलीफ पेशेंट को होती है, क्या इलाज कर सकते हैं, क्या इसको प्रिवेंट करने के लिए कर सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं और उनसे कैसे बचा जाए, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है तो एक बार में इसको हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, हम मल्टीपल वीडियोस में इसको इसके बारे में आपको बताएंगे। तो आज हम बात करेंगे कि एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस क्या है, कैसे होती है और क्यों होती है, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को क्या क्या तकलीफ होती है। एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यंग लोगों की बीमारी है, खासतौर पर यंग लड़कों में होता है। इसका जो एवरेज एज है वो 18 से 24 के बीच में स्टार्ट होता है, लेकिन कभी कभी ये बचपन में भी शुरू हो सकता है और कुछ पेशेंट्स में इवन 40 के बाद भी शुरू हो सकता है। और मेनली लड़कों में मिलता है, जो मेल फीमेल रेशो है, दैट इज 3:1, यानी बहुत कॉमनली मेल्स में पाया जाता है। और दूसरी चीज, अगर फीमेल्स में एंकाइलोजिंग होगा भी तो उसके सिम्टम्स बहुत माइल्ड होते हैं, इतनी सीवियर डिजीज नहीं होती है। लड़कों में इसके सिम्टम्स बहुत सीवियर होते हैं। इस बीमारी को समझने से पहले हमें एक चीज समझना होगा, लिगामेंट एंड टेंडन, क्योंकि ये बीमारी मेनली इन्हीं दो स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करती है। ये दोनों बहुत ही स्ट्रांग रस्सी जैसी चीजें होती हैं जो हमारे मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। लिगामेंट एक स्ट्रक्चर होती है जो बोन को बोन से जोड़ती है, और टेंडन भी एक ऐसा ही स्ट्रांग स्ट्रक्चर है, लेकिन वो मसल को बोन से जोड़ती है। और जहां जहां भी बॉडी में ये अटैचमेंट्स हैं, जहां जहां भी स्ट्रांग लिगामेंट्स और स्ट्रांग टेंडन्स हैं, वही एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस असर डालती है, उसमें इन्फ्लेमेशन करती है, सूजन करती है और वहां पर बाद में कैल्सिफिकेशन हो जाता है। पेशेंट का जो सिम्टम है वो मॉर्निंग आवर्स में होते हैं, पेशेंट को अर्ली मॉर्निंग प्रॉब्लम्स आती हैं, पेन होता है। कहाँ कहाँ पेन होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले पेशेंट को शुरुआत होती है बटक पेन, साथ साथ स्टिफनेस भी होती है, और कुछ टाइम के बाद लो बैक पेन, तो कमर और कूल्हों में दर्द शुरू होता है। वो क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। हमारा स्पाइन जहाँ पेल्विस से जुड़ता है, इन जॉइंट्स को कहते हैं SI जॉइंट, सैक्रो इलायक जॉइंट। तो ये हम एक्सियल स्केलेटन का एक पिक्चर, हमारे मॉडल हमारे पास है। ये हमारा स्पाइन है, इसको हम कहते हैं सर्वाइकल स्पाइन, इस पार्ट को कहते हैं थोरेसिक स्पाइन और इस पार्ट को कहते हैं लंबर स्पाइन। ये हमारा पेल्विस है, और स्पाइन जहां पेल्विस से कनेक्ट होता है, इस जॉइंट को हम कहते हैं SI जॉइंट। एक इधर होता है और एक इधर होता है। एक्चुअली एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में सबसे पहले लंबर स्पाइन और SI जॉइंट ही इन्वॉल्व होते हैं, सिम्टम्स यहां से शुरू होते हैं। इन लिगामेंट में, इन जॉइंट्स में बहुत स्ट्रांग लिगामेंट्स होते हैं, और जैसे मैंने बताया लिगामेंट्स में इन्फ्लेमेशन होती है, उस वजह से पेन होता है। और ये पेन सिर्फ हिप्स रीजन में नहीं रहता, ये कई बार थाइज और लेग्स में भी आता है, और कई बार डायग्नोसिस बनता है डिस्क प्रॉब्लम का। लेकिन डिस्क प्रॉब्लम में, और इसमें एक मेजर डिफरेंस है कि पेशेंट जैसे ही मॉर्निंग में अपनी एक्टिविटी शुरू करता है, पेशेंट का पेन गायब हो जाता है, जबकि डिस्क में उल्टा होता है। अगर डिस्क प्रॉब्लम है तो पेशेंट जितनी एक्टिविटी करेगा आपका पेन बढ़ता जाएगा। इसके बाद पेशेंट को पेन हील्स में होता है, एडियो में दर्द होता है। उसका कारण है वहां पर बॉडी का सबसे स्ट्रांग टेंडन, जिसको कहते हैं टेंडो एकिलिस, जहां हमारी काफ मसल्स हील बोन के साथ ज्वाइन होती है। ये बॉडी का सबसे स्ट्रांग टेंडन है, इसमें इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, और पेशेंट जब भी आराम करते हैं या सोते हैं और उसके बाद जब चलने की कोशिश करते हैं तो उनकी एड़ी में बहुत तेज दर्द होता है। लास्ट चेस्ट पेन, पेशेंट को छाती में दर्द होता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम आती है, और ये स्टिफनेस जैसा ज्यादा होता है, पेन कम होता है। पेशेंट जब सांस फुलाने की कोशिश करता है, छाती को फुलाने की कोशिश करता है, तो कर नहीं पाता है। आमतौर पर इन पेशेंट्स की ऑन एन एवरेज 5 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपेंशन कम होती है नॉर्मल पॉपुलेशन से,
इसका रीजन क्या है चेस्ट पेन का? अगर आप यहां देखें, ये चेस्ट की स्ट्रक्चर है, जो पीछे बोन है हम सब जानते हैं स्पाइन होता है, और आगे जो चेस्ट की बोन होती है उसको हम स्टर्नम कहते हैं। जो रिब्स होती हैं वो स्पाइन से स्टार्ट होकर स्टर्नम पर अटैच होती है, इस वजह से एक ज्वाइंट यहां होता है और एक ज्वाइंट यहां होता है। इन दोनों ज्वाइंट्स में इन्फ्लेमेशन और पेन होता है, इस वजह से पेशेंट जब भी लंबा सांस लेने की कोशिश करते हैं तो उनको यहां दर्द होता है। क्योंकि इन पेशेंट्स को चेस्ट में स्टिफनेस है लेटर स्टेज में, जब ये पेशेंट 35-40 ईयर्स के होते हैं, तो इनकी छाती बिल्कुल फूलना बंद कर देती है और कुछ पेशेंट्स को चेस्ट में इन्फेक्शन भी हो जाता है इसी वजह से। एंकलोजिंग को कंफर्म करने के लिए हम कुछ टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट और एक्सरे। ये एक सपोर्टिव एविडेंस रहता है डायग्नोसिस बनाने के लिए। हमारा क्लिनिकल फीचर्स और जब ये टेस्ट कंफर्म करते हैं तभी हम पेशेंट को लेबल करते हैं कि इनको एंकलोजिंग है। ब्लड टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है HLA-B27 टेस्ट, लेकिन इसमें कुछ चीजें जानना जरूरी है। जिन लोगों को एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है उनमें से सिर्फ 95% लोगों को ही टेस्ट पॉजिटिव मिलता है। इसका मतलब यह है कि 5% लोग ऐसे होते हैं जिनका टेस्ट तो नेगेटिव आता है लेकिन उनको फिर भी एंकलोजिंग होती है। तो इसीलिए जो आपके सिम्टम्स हैं, जो क्लिनिकल फीचर्स हैं, वो इक्वली इंपॉर्टेंट हैं टेस्ट के साथ साथ। इसके अलावा 5% लोग ऐसे होते हैं जिनमें टेस्ट पॉजिटिव है लेकिन उनको एंकलोजिंग नहीं होता है। तो इसलिए आप सिर्फ टेस्ट पे ना जाएं, जो आपका डायग्नोसिस आपके डॉक्टर बनाते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय कि आप टेस्ट देखकर उसका इलाज खुद शुरू करें। तो इस टेस्ट की ये इंपॉर्टेंस है। ESR एक टेस्ट होता है, ये 70-80% पेशेंट्स में बड़ा मिल सकता है, लेकिन ये नॉर्मल भी हो सकता है क्योंकि शुरू में डिजीज काफी एक्टिव होती है जब पेशेंट यंग होते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके बाद ये डिजीज धीरे धीरे इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, सिर्फ ये अपनी डिफॉर्मिटी छोड़ जाती है, पेशेंट का जो पोस्चर खराब है या आपका ज्वाइंट फ्यूज हो गया है। तो ESR इनिशियल स्टेज में आपको हाई मिलेगा, बट इसकी बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है। अगर हम एक्सरे करते हैं तो हमें कुछ फीचर्स मिलते हैं। पहले हम स्पाइन की बात करते हैं। स्पाइन में प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे ये हमारा एक नॉर्मल स्पाइन है, ये बहुत सारी वर्टिब्रल बॉडीज हैं जो एक दूसरे के ऊपर हैं, इनको कनेक्ट करने के लिए लिगामेंट्स होते हैं जिसका हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं। तो इस डिजीज में पहले इन लिगामेंट्स की इन्फ्लेमेशन होती है और जैसे जैसे डिजीज आगे बढ़ती है इनका कैल्सिफिकेशन हो जाता है, यानी कि ये भी बिल्कुल हड्डी के जैसे बन जाते हैं और ये हड्डियां आपस में जुड़ जाती हैं। इस तरह से लिगामेंट्स गायब हो जाते हैं और उनकी जगह कैल्शियम आ जाता है और फिर अल्टीमेटली पिक्चर ऐसी दिखती है, यानी बोन्स के बीच में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं रहता, पूरी एक सिंगल बोन बन जाती है जिसकी वजह से स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, पेशेंट की मूवमेंट्स खत्म हो जाती हैं और पेशेंट आगे झुक जाता है। सेकंड, ऐसे ज्वाइंट की बात हमने पहले भी की है, जब इस ज्वाइंट की इन्फ्लेमेशन होती है तो एक्सरे में भी दिखाई देता है वो, जैसा कि हम आपको एक्सरे में दिखा रहे हैं। इसको हम कहते हैं सैक्रोइलियाइटिस। ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट फीचर है एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, जिसका डायग्नोसिस में बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें सैक्रोइलियाइटिस मैंडेटरी है, पर बहुत रेयरली कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं, स्पेशली फीमेल पेशेंट्स, जिसमें ये नेगेटिव भी हो सकता है। लास्ट, फ्यूजन ऑफ ज्वाइंट्स, स्पेशली हिप ज्वाइंट में बोन्स फ्यूज हो जाती हैं, जो हमारा सॉकेट और बॉल है जहां मूवमेंट्स होती हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं, एक बोन बन जाती है, पेशेंट की मूवमेंट्स बिल्कुल खत्म हो जाती हैं और पेशेंट बिल्कुल हैंडीकैप्ड फील करता है।